तुम्हें नहीं मालूम है, उन सभी बाल वालों को मैं लिख तो रहा हूँ लेकिन मुझे सांत्वना नहीं होती है कि वो ये शब्द को मानेंगे। अरे सुन के खबर हमारी राधिका, मत करना नादानी। हाँ सुन के खबर हमारी राधिका, मत करना नादानी। अरे मिलने वाले सभी बिछुड़ती ये जगरी थी पुरानी। लौट जाते थे बिना आशा की। इधर देखा है जिस समय ज्ञान निधन उद्धव आगे बढ़े हैं और जा करके देखा है क्या, जहां पर जा करके देखा है ऐसा लग रहा है कि एकदम बीहड़ हो गया है, जहां पर कोई रहने वाला नहीं हो, उदासी छाई हुई है चारों तरफ, कोई किसी से बात नहीं करता है, शोक जैसा छाया हुआ है। उस नगर में प्रवेश उद्धव ने किया है तो बड़ा दुख हो रहा है। मैया यशोदा के पास में पहुंचे हैं, माँ तो भगवान कन्हैया के पीताम्बर को देख करके आगे बढ़ी हैं, लेकिन वहां कन्हैया नहीं उद्धव को पाया है, उद्धव को लेकर के आई है, सम्मान किया है, पास में बैठा दिया है। और माँ यशोदा कहने लगी है एक बात बताओ, क्या मेरा कन्हैया क्या मुझे कभी याद करता है? बात कैसी करती हो? अरे तुम्हारा कन्हैया तो एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं रहता है, जब तुम उन्हें यहाँ याद करती हो तो श्याम सुंदर वहाँ एक पल भी नहीं रह सकते हैं, रोते ही रहते हैं तुम सबकी याद करके, और उन्हें चैन नहीं आता है। सच मेरा कन्हैया बड़ी परेशान में रहता है। हाँ यशोदा मैया कहने लगी प्रेम ऐसा होना चाहिए, अपने प्रेमी के प्रेम को देख करके भूल जाना चाहिए कि मैं अपने प्रेमी को चाहता हूँ और उसके लिए कोई भी दुख ना हो। सुखदेव जी कहते हैं आज सारी रात व्यतीत हुई है, वही मैया के पास में रहे हैं और वो पत्र निकाल करके दिया है जिसमें भगवान श्याम सुंदर ने लिखा है। हे तीर्थ स्वरूप श्री वृंदावन की लभूमि बनवारी की, तीर्थ स्वरूप श्री वृंदावन हे के लभूमि बनवारी की, हे यमुना तटबंधी बटके है प्रथम प्रणाम बिहारी की,
हैं। सब तीर्थों के स्वरूप आदि एक तीर्थ हो वृंदावन के लिए। हे वृंदावन के गौ बछड़ो या